Assalamualaikum जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो कर लिया करो ना यार, टाइम से क्यों नहीं करते तुम लोग, क्यों शेख साहब? भाई ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये चीज कर लिया करो, ठीक हो गया। बाकी ये जो रिम्स हमने मंगवाए थे गुजरांवाले से, उनको रेडी करवा के हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। सेल हो गए, सेल हो गए, देने जा रहे हैं। आदिल भाई के पास जा रहे हैं, आदिल भाई के पास जा रहे हैं, वहीं पे वो दूसरा बॉय आएगा, उसका भी नाम फिजान है। बिल्कुल, वो भी फिजान है यार। अस्सी फिजान बहुत ही नहीं हो गए, फैजी फिजान, शेख फिजान खान, नायक और फिजान खान, एक वो दूसरा फिजान खान, सॉरी फिजान राजपूत। खैर जा रहे हैं आदिल भाई के पास, ये रिमटर भाई को देते हैं। गाड़ी आ गई है, इसको हमने रिम देने हैं। मेरे ख्याल से वो टायर देखने गए हैं कहीं, दोनों को देख कर आते हैं, फिर आपको बॉय से भी मिलवाते हैं और गाड़ी भी उसकी दिखाते हैं। गाड़ी हर यहाँ पे इस टाइम शोर बहुत ज्यादा है, तो सही तरीके दिखा नहीं पाऊंगा, तो आपको बाद में दिखाऊंगा, ईजी हो गया। ये जी, ये फिजान नाम है ना सभी, ये फिजान भाई हैं, ठीक है। ये इनकी एल्फिन खड़ी है और ये रिम है जो इनके पहले लगे हुए थे, C28 इनको कहते हैं। लेकिन ये आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आगे हमने भी निकालने, ठीक है। और ये वर्ष जो है ओरिजिनल, ये भी हमारी वाली गेम में एंटर हो चुका है, ओरिजिनल वर्ष लगवा ली है। और ये फिटिंग वाला है, जब भी तुम आदिल भाई को लाना है इनू लगना है, ठीक है। बाकी देखते हैं लगा के कैसे लगते हैं रिम। वर्ष लग गया है और 8:30 जे एल्सिन खा गई है, कसम पता ही नहीं लग रहा, इवें लग रहे हैं मेरी वाली हरकत कर रहे यार। इसकी तुम बैक से लुक देखो, बाकी गाड़ी ना 8:30 जी खा गई है यार एल्सविन, और टायर बड़ा प्यारा स्ट्रेच हुआ है माशाल्लाह यार, अच्छी लग रही है गाड़ी, ठीक है। एवं ये वो मेरी वाली हरकत कर रहा है कि बुरी लग रही है, लेकिन गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है यार गाड़ी, नो डाउट। मैंने भाई को कहा, मैं कहा पैसे आना है इनू करा देना है क्रोम, गई पीछे ही जा रही है। बाकी यार माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, नो डाउट। अब्दुर्रहमान की ईएस पे डला हुआ था और उसके अगले फेंडरो से बाहर था ये रिम, ईएस का ऑफसेट अच्छा है, ऑफसेट यार रिम का ऑफसेट एल्सविन का भी अच्छा, एल्सविन का बहुत अच्छा है भाई, तो 8:30 इसमें सुकून से लगता है इस ऑप्शन। भाई ये बताओ, लोगों से पूछो, अब ये रिम आया हमारे पास, ठीक है। सर ये ओरिजिनल CE28N जापान, ठीक है, और 7 JJ है, 15 इंच। किसी ने लेना हुआ तो भाई इंस्टाग्राम पे भाई ओरिजिनल मुझे ओरिजिनल ना बोलो, ठीक है ओरिजिनल नहीं है, है चाइनीज लेकिन अच्छा से अच्छा है, अच्छी कॉपी है, मतलब ओरिजिनल के मुकाबले पे आ सकता है ये। बाकी इसका बताओ यार, इसको कैसा करवाएं? हम तो सोच रहे हैं कि साइडों पे लिप पे वो टूल लगवा के सेंटर से इसको वाइट करवा दें, जैसे हमारे पहले वर्ष होते थे। हमने शफीक भाई को घर बुलाया, मैकेनिक है, इसमें से आगे से टिक 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 आवाज आ रही, मतलब चुप 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 कर दो थोड़ी देर, चुप बोलना नहीं है।
मेंटेनेंस का काम था थोड़ा बहुत, टिक टिक आवाज़ आ रही है कोई, मतलब थोड़े बहुत मसले कर रहे थे गाड़ी के, मेंटेनेंस होना लाजमी होती है क्योंकि हम चलाते भी इस तरीके से हैं कि स्लो घर में खड़ी रहती है नॉर्मली। वैसे तो आपको लगता हो कि हम लोग डेली गाड़ी बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डेली गाड़ी बाहर नहीं निकलती, ठीक है, कभी कभार इस तरह हम लोग गाड़ी निकालते हैं, ब्लॉग जिस दिन बनता है उस दिन फिर गाड़ी आपको नजर आ जाती बाहर निकलती। ये जी हम लोग ना ये कोयल कोयल ओवर्स वाले शौक जो है ना डालने लगे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसके मेरे ख्याल से जेन्युइन वाले मेरे ख्याल से कि लीक हो गए हैं, ख़त्म हो गया वो, उसमें से तो तेल ही मुक गया होना। अस्सलाम वालेकुम, ये समी भाई ने अभी हमें ज्वाइन किया, ठीक है, क्या दिखाऊँ वो फोटो बीच में 180 उड़ता है। ये शफीक भाई को हमारे ट्रंक सेटअप की वजह से बड़ी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने नंदा खोल दिया, नंदा मैंने नंदा क्लिप तोड़ के खोलिया है। नहीं खोला ही नहीं, खोला ही नहीं, अच्छा वेरी नाइस। गाइस नीचे देखें ये चीज है हमारी, देख रहे हो आप, यहाँ से सुकून से स्टपनी भी निकाल सकते हो, लेकिन जो स्टपनी है वो हमारे किसी काम की नहीं है भाई, चार नेट है हमारे रिम जो है, पांच नेट है, ये जी शॉक्स बराबर किए जा रहे हैं, इस शॉक्स के बराबर करने की कोशिश की है, लेकिन ये भाई साहब हरकत करने से बाज नहीं आते, इन्होंने इसको भी थोड़ा सा लो कर दिया कि गाड़ी और नीचे जाए, उत्ते भी हुन पूरी नहीं आनी भाई जाने लो। हाँ वैसे ये भी सही है, बैग भी सेफ हो जाएंगे इससे, इससे बैग सेफ हो जाएंगे, खोलता है मैं, ज्यादा बैग ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, अगर ज्यादा अगर ऊपर चले गए तो निकल जाएगा तो वो सेफ हो जाएगा, और गाड़ी जो है ना वो टायर देखना किस तरीके से लगता है, नहीं तो सीधा हो जाएगा, ये फुल बैग ओपन है इस टाइम पे। दूसरी साइड भी हो गई है, ठीक है, इस साइड का भी देखा तेल निकला हुआ शॉप में से, मतलब दोनों शॉप्स ख़त्म थे एक किस्म के, तो बेहतर है कि कोयले वगैरह डलवा दिए, लेकिन इसका एक इशू है कि गाड़ी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, जो कि इशू भी है और मसला भी है, इससे ऊपर जानी चाहिए गाड़ी थोड़ी सी ना, मतलब कह लो कि अभी 60 PSI तक ऊपर जा रही है, 80 तक जानी चाहिए थी गाड़ी, ताकि कोई इस तरह की जगह हो जहाँ से सुकून से बंदा निकाल सके, तो देखते हैं करेंगे कुछ इसके बारे में अब। सो गाइज हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव भी गाड़ी कर ली है, और मसला ये आ रहा है कि ये 49 PSI से ऊपर नहीं जा रहा, ये एक इशू जो है ना वो आ रहा है, बाकी 120-125 तक लेकर गए हैं गाड़ी को, लेकिन गाड़ी ने ये फील नहीं कराया कि भाई पीछे से गाड़ी कैम्बर है, ऐसे स्मूथ गई है, सही है ना वैसे तो, बाकी बेहतरीन बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यार छोटे मोटे काम थोड़े से और रह गए, वो कल करवा लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, एक ही आवाज़ है सुनो, ये जब से हमने वो डिस्पैच चेंज करवाया ना तब से ये मसला आया हुआ, आवाज़ आ रही, पता नहीं उसके जो क्लिप्स होते हैं वो सही नहीं लगे हुए, क्या रोला है, ठीक है, लेकिन ये आवाज़ है, ये हम लोग कल इंशाल्लाह चेक करवा लेंगे, ये सारी आवाज़ें वूजें मैंने क्लियर करवा लेनी है, मैं सोच रहा हूँ इसको ना किसी डेक पर लगवा के ग्रीसे ग्रूसे भी लगा लें थोड़ी सी, ताकि ज़रा मेनटेनेंस इसकी पूरी कम्प्लीट हो जाए। बाकी भी शेख साहब को जा रहा हूँ घर छोड़ने, इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।